जय भारत, कैसे हो आप लोग। लास्ट वाली क्लास में हमने मुआड से रिलेटेड ग्राफ्स देख लिया है। बहुत सारे बच्चों को इस स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में डाउट है, तो मैं इसको पहले कवर कर देता हूँ। तो क्या दिक्कत है देख लो। अब जब ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को जीरो अगर ऐसा कोई इक्वेशन लिखा जाता है, तो इसका जो स्लोप होता है, स्लोप कितना होना चाहिए। तो हम लोग स्लोप को जनरली एम से डिनोट करते हैं, तो माइनस ए डिवाइडेड बाय बी। मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का जो एक्स का जो कोएफिशिएंट है ऊपर और वाई का जो कोएफिशिएंट है नीचे और निगेटिव लगा दो, ये होता है इसका स्लोप। और हमने क्या बोला था, जब स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होती है या फिर स्लोप की वैल्यू निगेटिव होती है, स्लोप ग्रेटर दैन जीरो होता है या फिर स्लोप लेस दैन जीरो होता है, तो इसके हिसाब से इसके दो 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 ग्राफ बनेंगे। कैसे बनेगा, जब स्लोप पॉजिटिव होगा तो इस वाले केस में जो ग्राफ होगा इंक्रीजिंग होगा, और इस वाली लाइन जब एम की वैल्यू कितना होती है, लेस दैन जीरो होती है, तो इस वाले केस में होता है ग्राफ डिक्रीजिंग। मतलब इंक्रीजिंग का जो रफ जो ग्राफ है अगर मैं बना दूँ वो इस टाइप का आना चाहिए और डिक्रीजिंग का इस टाइप का आना चाहिए। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे तो सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि ये होता है स्लोप और ये होता है वाई इंटरसेप्ट। बात कहाँ पे है, बात आप गलती कहाँ पे कर रहे हो वो उसकी बात कर लेता हूँ मैं। तो आपको दिया है ऐसा इक्वेशन, कैसे, ए एक्स प्लस सी और इक्वल्स टू जीरो। आपको स्लोप जो है इस वाले केस में, आप स्लोप कितना ले रहे हो पता है, इसमें स्लोप ये ले रहे हो, कोई कोई ले रहा है जीरो, मतलब कोई आइडिया नहीं, मतलब आपको क्या चल रहा है इसके अंदर। तो अब इसको अगर देखा जाए तो इसका जो स्लोप आना चाहिए कितना आना चाहिए, स्लोप आना चाहिए एक्स का कोएफिशिएंट ऊपर डिवाइड बाय वाई का कोएफिशिएंट। वाई का कोएफिशिएंट कितना है इसके अंदर, कुछ भी है नहीं, मतलब बाय डिफॉल्ट जीरो हो गया। तो माइनस ए बाई जीरो कितना होना चाहिए, ये तो इन्फिनिटी हो गया, और इन्फिनिटी मतलब कैसा, वर्टिकल लाइन, बराबर ना। वो इन्फिनिटी स्लोप किसका होता है, वर्टिकल लाइन का होता है। इसका मतलब ऐसी लाइन होना चाहिए, इसका मतलब एक्स प्लस सी इक्वल्स जीरो, मतलब जिसमें वाई नहीं है, जिसमें वाई अब्सेंट होगा, जिस इक्वेशन में वाई अब्सेंट होगा उसका जो ग्राफ आएगा ऐसा एक वर्टिकल लाइन आएगा ना, ये वर्टिकल लाइन आना चाहिए। आप लोग सीधा सीधा इसको इंक्लाइन बना रहे हो तो ये वर्टिकल लाइन आएगा। अब ये वर्टिकल लाइन पास कहाँ से करेगा, वो कैसे निकालेंगे, हम लोग यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालेंगे। एक्स इक्वल कितना आ गया, माइनस सी अपॉन ई आ गया। तो एक्स इक्वल टू माइनस सी अपॉन ई आया ना, मतलब क्या होना चाहिए, जो वर्टिकल लाइन है एक्स जहाँ पे माइनस सी अपॉन ई है, अगर ये एक्स एक्सिस है और अगर ये वाई एक्सिस है, तो चेक करो कहाँ पे है माइनस सी बाई ई, कहाँ पे, मान लेता हूँ यहाँ पे माइनस सी अपॉन ई है, तो ये वर्टिकल लाइन इस वाले पॉइंट से पास करना चाहिए। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है, ओके। अब और एक बात, अगर समझो जिसमें एक्स अवेलेबल नहीं है, मतलब कैसा है, सिर्फ बी वाई प्लस सी और इक्वल जीरो, मतलब इसमें एक्स की टर्म अवेलेबल नहीं है, तो फिर से स्लोप निकाल दो। स्लोप कितना आना चाहिए, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है इसके अंदर, जीरो है, वाई का कोएफिशिएंट कितना है, बी है, और माइनस लगा दो तो कितना आएगा, जीरो डिवाइड बाई समथिंग, तो कितना आता है आंसर, जीरो आता है। इसका मतलब स्लोप कितना आ गया, जीरो आ गया। जब स्लोप जीरो आया तो स्लोप किसका, किस लाइन का स्लोप जीरो होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का। इसका मतलब क्या, इसका जो ग्राफ आएगा कोई ऐसी लाइन आएगी, मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इस वाले केस में, ये होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन अगर है तो ये पास कहाँ से करेगा, वो निकालेंगे कहाँ से हम लोग, यहाँ से, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल दो कितना आ जाएगा, वाई आ गया माइनस सी अपॉन बी। मतलब क्या होगा कि वाई जहाँ पे माइनस सी अपॉन बी है उस वाले पॉइंट से पास करेगा। मान लेता हूँ यहाँ पे ये है माइनस सी अपॉन बी और ये एक्स एक्सिस अगर है, तो ये हो गया एक्स एक्सिस हमारा, ये हो गया वाई एक्सिस, तो हमारी जो लाइन है ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, और कहाँ से पास करेगा, जहाँ पे वाई माइनस सी अपॉन बी है वहाँ से पास करेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद कुछ दो तीन ग्राफ देख लेते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा। मान लेते कितना है, यहाँ पे एक्स प्लस वन और यहाँ पे थ्री एक्स प्लस वन इक्वल्स जीरो है। अब इसका मुझे ग्राफ बनाना है, तो मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू निकाल दिया डायरेक्ट, डायरेक्ट कितना आ गया, माइनस वन बाई थ्री आ गया। तो जो एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री अगर आ जाती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स इक्वल्स टू माइनस वन बाई थ्री आया, मतलब एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो स्लोप कितना आना चाहिए इसका, तो स्लोप आ जाएगा इन्फिनिटी। कैसे इन्फिनिटी आएगा, समझ में आ रहा है कि आपको, एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय वाई का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट कितना है, जीरो है, तो समथिंग डिवाइड बाय जीरो, तो इन्फिनिटी हो जाता है। मतलब स्लोप जब इन्फिनिटी है तो वर्टिकल लाइन है, और एक्स वैल्यू कहाँ है, कितना है, माइनस वन बाई थ्री है। इसका मतलब माइनस वन बाई थ्री कहाँ पे, वो प्लॉट कर लो, माइनस वन बाई थ्री अगर यहाँ पे होगा तो ये जो वर्टिकल लाइन है इस पॉइंट से पास करेगी। तो ये इसका जो इक्वेशन होगा इस लाइन का कितना आना चाहिए, इसका आएगा थ्री एक्स प्लस वन और इक्वल जीरो, बराबर, जिसमें
वाई नहीं है ऐसे वर्टिकल लाइन बनेंगे, जिसमें एक्स नहीं है ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनेंगे, और एक्स एंड वाई अगर होते हैं तो ये ऐसे इंक्लाइन लाइन बनेंगे, तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, सही है। ओके, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ये तो हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे इसके बारे में, इतना भी मतलब ये अभी इतना भी मतलब ये हार्ड नहीं है, वैसे आप लोग गलती कर रहे थे इसलिए मैंने बोल दिया, ठीक है। अब हम लोग देख रहे थे कैसे मॉडुलस वाले ग्राफ ना, मॉडुलस वाले हम लोग ग्राफ देख रहे थे, और सबसे पहले देखा था हमने किसका, सबसे पहले देखा था वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स का, ठीक है। और मॉड का हमने क्या मीनिंग बोला था, मॉड का मीनिंग ये बोला था कि अगर मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी है, मतलब ये क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो वो मॉड उसके बारे में कुछ नहीं करेगा, जैसे वैसे वो सीधा सीधा निकल जाएगा, बराबर है क्या। तो इसका मतलब जब एक्स की वैल्यू कितना होगी, पॉजिटिव होगी, तो ये सीधा सीधा निकल जाएगा और जो भी अंदर है वो दे देगा बाहर। ओके, एक्स की वैल्यू जब जीरो होगी तो जीरो जो है उसके ऊपर कोई साइन नहीं होता है, तो जीरो का जीरो आंसर आ जाएगा इसके बाद। और जब एक्स की वैल्यू निगेटिव होगी, मतलब मॉड के अंदर आप कैसा आ गया, निगेटिव वैल्यू आ गया, निगेटिव वैल्यू आ गया मतलब कितना आंसर आ जाएगा, इसको पॉजिटिव करने के लिए बाहर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक बार फिर से माइनस वन से, ठीक है ना। तो ये मॉड एक्स का मतलब क्या होता है, तो ये इतना होता है मॉड एक्स, मतलब क्या कि अगर ये अंदर का पॉजिटिव तो सीधा एक्स, ये जीरो तो डायरेक्ट जीरो, और जब लेस देन जीरो जीरो होगा अंदर का तो होगा माइनस एक्स। तो जब इसका ग्राफ हमने प्लॉट किया था तो ये जीरो पे ऐसा ओपन ऐसा हो रहा था, बराबर है क्या, ये ग्राफ आ गया था बराबर। ओके, दूसरा एक ग्राफ देख लेते हैं, जब हमने इसका भी देख लेते हैं मॉड एक्स माइनस टू, इसका भी ग्राफ देख लिया था हमने, और ये आ रहा था मॉड के अंदर जो भी टर्म है कितना है, एक्स माइनस टू है, तो एक्स माइनस टू का आंसर जब भी पॉजिटिव होगा तो मॉड का तो इसके ऊपर कोई लेन देना नहीं रहेगा, और एक्स माइनस टू का आंसर जब भी जीरो रहेगा तो इसका आंसर तो जीरो हो जाएगा, और मॉड के अंदर जो भी नंबर है उसका आंसर अगर लेस देन जीरो होगा तो मॉड क्या करेगा, उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके हट जाएगा, तो एक्स माइनस टू ऐसा हो जाएगा। और इसका भी जब हमने ग्राफ निकाला था तो ये वैसे कल हो चुका था, तो मैं फटाफट कर रहा हूँ वैसे, तो ये टू जहाँ पे है वहाँ पे ये ऐसे ओपन हो रहा था, एक इधर से और एक इधर से, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ रही है क्या, तो क्या होता है कि मॉड के जो ग्राफ होते हैं ऐसे हमेशा वी टाइप के ही होते हैं, हमेशा वी टाइप के होते हैं, बराबर क्या। और वी टाइप ये कहाँ पे, इसका वर्टेक्स कहाँ पे आएगा, मतलब जो एकदम कॉर्नर वाला जो पॉइंट है वो कहाँ पे रहेगा, वो कैसे निकालेंगे हम लोग, वो निकालेंगे इसके अंदर जो भी क्वांटिटी है, मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसको जीरो कर दो, यहाँ पे कितना आ गया जीरो, ये जीरो से ओपन होगा, यहाँ पे एक्स माइनस टू इसको जीरो कर दो, एक्स वैल्यू कितना आ गई, टू आ गई, इसका मतलब ये कहाँ पे आएगा, टू पे ओपन होगा, टू से ओपन होगा ऐसे, ठीक है ना। अब अगर मुझे क्विकली अगर किसी का ग्राफ बनाना है, y इक्वल्स टू मान लेता हूँ कितना है, x प्लस पाई, इसका ग्राफ बनाना है, x प्लस पाई का मॉड, इसका ग्राफ बनाना है, तो हमने पहले इसको जीरो कर दिया, तो x प्लस पाई और इक्वल्स टू जीरो कर दिया, तो x के लिए कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस पाई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर ये x एक्सिस है और ये अगर y एक्सिस है तो कहाँ पे माइनस पाई है वो लोकेट करना पड़ेगा, तो ये होगा माइनस पाई, क्योंकि ये निगेटिव होगा, पाई के लिए होती 3 point something, तो माइनस पाई मतलब ये 3 के -3 से थोड़ा पीछे रहेगा। ओके, इसका जीरो तो मिल गया अपने को, अब यहाँ से ये ओपन करवा दो इसे, बस ये होगा इसका ग्राफ, ठीक है ना। आपको अब बात समझ में आ रही है कि इसके ग्राफ कैसे बनाना है, तो हम लोग किसी का भी ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा बात ना ये नहीं है, बात क्या है कि इसका जब ग्राफ बना दिया तो अब इसके इक्वेशन चाहिए मुझे, इसका इक्वेशन चाहिए और इसका इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन कैसे बनाना है वो देख लो। तो जब इसका इक्वेशन आएगा तो ये लाइन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है पहले बोल दो, ये लाइन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इसके इक्वेशंस निकालना तो आपको ये करना पड़ेगा, मतलब अगर सही से जाना है, मेथड से जाना है, तो क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर का जो पॉजिटिव वैल्यू पे कितना आएगा, एक्स माइनस टू की वैल्यू जब ग्रेटर देन जीरो होगी तो ये आएगा, एक्स माइनस टू का वैल्यू लेस देन जीरो होगा तो ये आएगा, एक्स माइनस टू की वैल्यू जीरो होती है तो जीरो आएगा, ये वाला करना पड़ेगा। और ये कितना इंटरवल है वैसे, एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो मतलब कितना होगा, एक्स वैल्यू टू से ज़्यादा, एक्स वैल्यू टू से ज़्यादा मतलब ये हो गया एक्स ग्रेटर देन टू, और यहाँ पे ये वाला ग्राफ है, इसका इक्वेशन कौन सा होगा, फिर इसका इक्वेशन हो जाएगा ये, मतलब कौन सा, वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, क्यों, क्योंकि एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन टू पे यही इक्वेशन है, इसलिए इसका एक्शन ही आ जाना चाहिए। एक्स लेस देन टू पे, एक्स लेस देन टू पे मतलब ये वाला, इसके पीछे कौन सा ग्राफ है, ये वाला माइनस एक्स प्लस टू, तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ कौन सा आएगा, फिर ये इसका इक्वेशन कैसे आएगा, माइनस एक्स प्लस टू, बराबर है क्या। तो ये होगा वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है ना, इसका माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर लो माइनस एक्स,
माइनस एक्स हो जाएगा प्लस टू हो जाएगा। एक्स लेस देन टू अगर होता है तो इसका जो ग्राफ आएगा, इसका जो इक्वेशन आएगा कितना आना चाहिए, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। तो अपने को इसके इक्वेशन कैसे, इसका इक्वेशन अलग रहेगा, इसका इक्वेशन अलग रहेगा, तो कैसे निकालना है, तो इसे डेफिनेशन से निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब इसमें और थोड़ा सा अगर हम लोग और आगे सोचते हैं तो दो ही टाइप के ग्राफ है वैसे, देखो ना, एक बार प्लस लगा दिया, एक बार माइनस लगा दिया, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। यहाँ पे भी देख लो, एक बार प्लस लगा दिया, एक बार माइनस लगा दिया। अगर दो ही टाइप के ग्राफ है तो मुझे डायरेक्ट मुझे लिखने आएगा इसका इक्वेशन, कैसे लिखने आएगा देख लो। अभी अगर इंक्रीजिंग ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ अगर है तो एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है क्या होता है, स्लोप होता है। एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है क्या होता है, स्लोप होता है। इसका मतलब स्लोप जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब इसमें पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, इसमें पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, वो देख लो, इसमें पॉजिटिव स्लोप आ रहा है। इसका मतलब इंक्रीजिंग लाइन का इक्वेशन ये होना चाहिए। अब ये लाइन कैसी हो रही है, डिक्रीजिंग हो रही है, डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब इसका जो एक्स का जो कोएफिशिएंट आना चाहिए कितना आना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे दोनों में से नेगेटिव किसको है देख लो, यहाँ पे नेगेटिव है तो इसका इक्वेशन ये आ जाना चाहिए। अब ये बात अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ पे समझ में आ सकती है, देख लो। अब इसमें इसमें दो टाइप के इक्वेशन आ जाएंगे बराबर, क्या कौन से, एक बार प्लस लेने से, एक बार माइनस लेने से, सही है क्या। एक बार प्लस ले लिया तो कितना आएगा, एक्स प्लस पाई आएगा। एक बार माइनस ले लिया तो माइनस एक्स माइनस पाई आएगा। प्लस और माइनस समझ में आ रहा है आपको, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये प्लस ये सा और एक माइनस, मॉड का मतलब कितना आता है, प्लस और माइनस होता है ना। तो प्लस कब रहेगा, इस वाले केस में प्लस रहेगा, माइनस कब रहेगा, इस वाले केस में माइनस रहेगा, ठीक है ना। और हमने क्या किया, इसके ग्राफ बना दिया, इसके ग्राफ बना दिया मतलब क्या कि एक्स एक्सिस हमेशा ऊपर रहेगा और ये माइनस पाई से ओपन होगा। अभी हम लोग शॉर्टकट मेथड देख रहे हैं बराबर, क्या शॉर्टकट मेथड से भी इसके इक्वेशंस कैसे बनाना है वो भी देख रहे हैं। ग्राफ तो बन ही गया, वैसे एक ही स्टेप में आंसर ग्राफ बन जाएगा। इसको जीरो कर लिया, कहाँ पे जीरो रहा है देख लिया, और उससे वैसा वी बना दिया, उस पॉइंट पे वी बना दिया, हो गया ग्राफ, इसका ग्राफ हो गया। अब जाके मुझे करना है कि मुझे इसका ग्राफ, इसका इक्वेशन क्या आएगा देखना है, और इसका इक्वेशन क्या आएगा देखना है। ये ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग ग्राफ है ये। जब इंक्रीजिंग ग्राफ होगा तो इसका स्लोप होगा पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसका इक्वेशन कितना आना चाहिए, इसका इक्वेशन आ जाएगा कितना, एक्स इक्वल्स टू कितना, वाई इक्वल्स टू कितना। अब ये जो मॉड निकलने के बाद, हर एक मॉड निकलने के बाद क्या हो रहा है देख लो, ये मॉड निकल जाने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे मॉड निकलने के बाद यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, मतलब दो ही साइन आएंगे, एक तो प्लस आएगा एक तो माइनस आएगा। तो यहाँ पे प्लस लगाने से कितना आएगा, एक्स प्लस पाई आएगा। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, पॉजिटिव है, मतलब ये लाइन इंक्रीजिंग होना चाहिए, और ये लाइन इंक्रीजिंग है, इसका मतलब इसका जो इक्वेशन आएगा एक्स प्लस पाई आना चाहिए। अब इसको माइनस लगा दिया, माइनस लगाने से कितना आएगा, माइनस एक्स माइनस पाई आएगा, मतलब इसका स्लोप नेगेटिव हो रहा है, तो इसका इक्वेशन कितना आना चाहिए, माइनस एक्स माइनस पाई आना चाहिए, बस हो गया, सही है क्या। तो माइनस पाई से आगे ये इक्वेशन, माइनस पाई से पीछे ये इक्वेशन हो जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वाई इक्वल्स टू कितना, एक्स, और माइनस आ जाएगा कितना, ये फोर आ गया, समझो ऐसा। फिर से वही बात, इसको पहले जीरो कर दो, जीरो कहाँ पे हो गया, ये फोर पे जीरो हो जाएगा, मतलब फोर पे ऐसा वी बनेगा, फोर पे ऐसा वी बन गया। अब दो टाइप के ग्राफ इसमें इन्वॉल्व है, एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग। अब इसके इक्वेशंस बताना है मुझे, तो इक्वेशन कैसे बताएंगे, जो जिसका स्लोप पॉजिटिव आएगा, इसका स्लोप पॉजिटिव मतलब प्लस साइन लेने से मुझे स्लोप पॉजिटिव आएगा, तो एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस फोर हो गया। अब निगेटिव स्लोप चाहिए, निगेटिव स्लोप मतलब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, वाई कोस कितना आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस हो जाएगा फोर, बस हो गया, दो इक्वेशंस हो गए, ठीक है ना, ऐसे इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है, ओके। अब अपने को क्या करना है, अपने को आगे बढ़ के अभी ये क्या होता है वो उसको सॉल्व कर देते हैं, मतलब ये चीज़ कहाँ पे यूज होती है वो देख लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ऐसा है, मॉड एक्स इक्वल्स टू ए फोर, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है अपने को। मैं दो मेथड से सॉल्व कर दूंगा, एक तो एनालिटिकल मेथड से भी सॉल्व करता है और ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करता है, तो आपको इसका मतलब क्या, इसके पीछे ये है वो समझ में आएगा। मॉड एक्स इक्वल्स टू फोर है, ठीक है। तो जब भी ऐसे प्रॉब्लम आएंगे ना, जब भी ऐसे प्रॉब्लम आएंगे तो एक नंबर लाइन बना लेने का, ठीक है, नंबर लाइन बना लेने का, जब भी मॉड के प्रॉब्लम आ जाती है, जो भी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं तब। और कि उसके बाद क्या करने का कि जो मॉड है जहाँ कहाँ कहाँ पे वो देख लो, कहाँ पे, एक ही जगह पे, यहाँ पे, तो इस मॉड को जीरो कर दो पहले। मॉड एक्स इक्वल्स जीरो हो गया, मॉड के अंदर जो भी नंबर है उसको जीरो कर लिया, तो ये कितना आ गया, एक्स के लिए कितना आ गई, जीरो आ गई। तो ये जीरो नंबर लाइन पे कहाँ पे है, यहाँ पे, ऐसा मान के चलो। तो ये नंबर लाइन के ऊपर जीरो मिलने के बाद इस नंबर लाइन को अभी डिवाइड कर लो, ठीक है। तो एक ही इसमें मॉड था, इसलिए नंबर लाइन पे एक ही नंबर आएगा, और उसके हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या,
इनइक्वालिटी में भी हमने ऐसा किया था, इसके जीरोज निकाला था और उसमें नंबर लाइन को डिवाइड कर लिया था, सेम वे यहाँ पे वैसे करना है। बस यहाँ पे फर्क क्या है कि मोड के जो भी नंबर है उसका जीरो निकालना है, फैक्टर के नहीं, ठीक है। अब आगे क्या हो गया कि ये नंबर की वजह से ये जो नंबर लाइन है दो पार्ट में डिवाइड हो गई, ये पार्ट वन है और ये पार्ट टू है, ठीक है ना। तो दो पार्ट में डिवाइड हो गई ये नंबर लाइन। आप देख लो दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद हुआ क्या है, तो अपने को क्या करना है कि हमने दो पार्ट में डिवाइड क्यों किया। अब ये पार्ट कौन सा देख लो, जीरो से आगे वाला x की वैल्यू कितना है, ग्रेटर देन जीरो होगा, और ये पार्ट कौन सा होगा, x की वैल्यू होगी लेस देन जीरो। अब x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और x की वैल्यू लेस देन जीरो हमने ऐसा क्यों ले लिया समझ में आ रहा आपको, क्योंकि इसका जो है इसका जो मोड का जो बिहेवियर है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो कितना आ जाएगा, ये इतना इसका जो आंसर आ जाएगा सीधा सीधा x आ जाएगा इस मोड का, सही है ना। अब ये भी डेफिनेशन देखा था हमने, और x की वैल्यू जब लेस देन जीरो होती है तो कितना आ जाएगा, ये आएगा माइनस एक्स, बराबर है। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो के लिए x आएगा, x की वैल्यू लेस देन जीरो के लिए कितना आया, माइनस एक्स आ गया, और जीरो के लिए कितना आएगा, जीरो के तो जीरो आ जाएगा, जीरो पे तो कोई साइन नहीं होता है। अच्छा जब जीरो के लिए जीरो आएगा तो मैं इसमें अलग लिखने के बजाय मैं यहाँ पे x की वैल्यू जीरो रखने, यहाँ पे x की वैल्यू जीरो और इक्वल जीरो लिखने के बजाय क्या मैं इसको इसमें कवर करूँ क्या, x के लिए गर्दन और इक्वल जीरो पे आंसर x आएगा, x के लिए गर्दन और इक्वल जीरो पे आंसर कितना आएगा, x आएगा। देख लो अभी इसमें x के लिए जीरो है तो यहाँ पे जीरो रखने से आंसर कितना आएगा, जीरो ही आएगा ना। बात समझ में आ रही है कि आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ, मॉड x की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, मैं मॉड x की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, कैसे हो जाएगा ये x आ जाएगा कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा तो, और जीरो आएगा कब, x की वैल्यू कितना आ जाएगी, जीरो पे, और माइनस x हो जाएगा कब, जब x की वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो, सही है। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको, ठीक है ना। अब मैं इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ क्या, देख लो कंबाइन कर सकता हूँ क्या, मतलब कैसे करूँगा, जब ये x की वैल्यू कितना होगी, ग्रेटर देन और इक्वल जीरो होगी तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, सही है क्या। देख लो x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो तो x आएगा, अब x की वैल्यू जीरो होगी तो भी जीरो हो जाएगा, तो ये दोनों मतलब ये बराबर चल रहा है, दोनों कंबाइन तो कर लिया ना मैंने। अब इसके बाद कितना आएगा, जब x की वैल्यू कितना हो जाएगी, लेस देन जीरो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब और इसका मतलब सेम ही है ना, ठीक है। अब अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, किसी को लग रहा है कि जीरो पे तो कोई साइन नहीं है, तो ऊपर एडजस्ट करने के बजाय, ऊपर लेने के बजाय मैं नीचे भी ले लो तो चल जाएगा क्या, मतलब क्या, ये जीरो पे तो कोई साइन नहीं ना है, तो इस मतलब क्या होगा, तो प्लस एक्स में एडजस्ट करो इसको या फिर माइनस एक्स में एडजस्ट करो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, मतलब इन दोनों को भी कंबाइन कर ले तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर कैसे लिखेंगे, जब x की वैल्यू कितना होगी, पॉजिटिव होगी तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सिर्फ x आएगा, और x की वैल्यू जब लेस देन और इक्वल जीरो आ जाएगी तो होगा तो इसका मतलब कितना आना चाहिए, ये आ जाएगा माइनस एक्स। x वैल्यू पॉजिटिव तो कितना आ गया, प्लस x, और x वैल्यू लेस देन और इक्वल जीरो होगा तो कितना आएगा, माइनस x। अब देख लो जब x की वैल्यू जीरो होगी तो ये कितना आएगा, माइनस जीरो आएगा, लेकिन जीरो पे तो कोई साइन नहीं होता तो अल्टीमेट तो जीरो ही है ना, बराबर क्या, मतलब जीरो भी इसमें आ रहा है और निगेटिव भी एक्स आ रहा है, एक्स लेस देन जीरो होगा तो माइनस एक्स भी आएगा, मतलब ये जो जीरो है मैं इस वाले में भी कवर कर सकता हूँ या फिर इस वाले में भी कवर कर सकता हूँ, कहीं भी कवर करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही आप लोगों को, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जीरो है ऊपर कवर करो या फिर नीचे कवर करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये जो जीरो होगा मैं ये इस वाली साइड पे कवर कर लेता हूँ, मतलब ये एक्स ग्रेटर देन जीरो में कवर कर लेता हूँ, आप इसमें भी कवर कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो कैसा है भी है, इस वाले एक पार्ट में कवर है, इस वाले एक पार्ट में कवर नहीं है, आप लोग इसमें भी कवर कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, बार बार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब क्या होगा, मुझे क्या करना है कि इस इक्वेशन को इस वाले पार्ट में अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट में अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि x वैल्यू ग्रेटर देन जीरो के लिए जो मॉड x है कुछ अलग साइन देगा और x वैल्यू लेस देन जीरो के लिए मॉड x अलग साइन देगा, इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे x वैल्यू जब ग्रेटर देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो या फिर इक्वल जीरो पे क्या आएगा, ये मॉड x, ये तो होगा सीधा सीधा x, ये होगा सीधा सीधा x, तो x ये होगा x, मतलब कितना, प्लस x होगा, वैसे प्लस x इक्वल्स कितना आ जाएगा, 4, तो x वैल्यू कितना आ जाएगी इस वाले केस में, x वैल्यू आ जाएगी 4। अब x की वैल्यू 4 जो है, x इक्वल्स 4 जो है, क्या इस इंटरवल में कवर कर रहा है क्या, ये 0 से लेकर आगे x इक्वल्स 4 आता है क्या, बिल्कुल आता है, क्योंकि x 0 से ज़्यादा ही कितना आता है, 4 आता है, इसका मतलब मुझे एक सोल्यूशन मिल गया, कितना मिल गया, x इक्वल्स 4 ये सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। अगर यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितना आ जाती, माइनस 2 आ जाती समझो, तो माइनस 2 जो है 0 से आगे तो नहीं आएगा ना, मतलब ये जो सॉल्यूशन है जिस इंटरवल में हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं उसमें भी आ जाना चाहिए, तब जाके इसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा,
ठीक है। अब इसे पीछे एक्स लेस देन जीरो, ये जो चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसके सोल्यूशन बीच में आना चाहिए, मतलब ये जो सोल्यूशन है इस इंटरवल में आना चाहिए, तो ये जाके हम लोग कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इसमें तो क्या है, एक्स इक्वल फोर इसमें आ गया, इसलिए हमने इसको ले लिया है। अभी कभी कभी क्या होता है कि जो सोल्यूशन है इस इंटरवल में आता नहीं है, तो उसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। अब उसके लिए हम लोग एक और प्रॉब्लम कर लेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी के लिए देख लो, एक्स वैल्यू लेस देन जीरो के, एक्स वैल्यू लेस देन जीरो पे इसका जो आंसर है कितना आएगा, मॉड एक्स रिप्लेस होके माइनस एक्स हो जाएगा, और इक्वल्स कितना है, फोर है, तो एक्स वैल्यू कितना आ जाएगी, ये होगा माइनस फोर। क्या एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर एक्स लेस देन जीरो में आ जाता है क्या, एक्स लेस देन जीरो में आ जाता है क्या, बिल्कुल आ जाता है, माइनस फोर कहीं यहाँ पे रहेगा, इसका मतलब इधर से भी एक सोल्यूशन आ गया। तो हमारा इस प्रॉब्लम के दो सोल्यूशन मिल गए, एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये माइनस फोर एंड प्लस फोर ऐसे, तो एक्स इक्वल्स टू कितना, माइनस फोर एंड प्लस फोर, ठीक है ना। तो ये दो सॉल्यूशंस आएंगे, ये बराबर है या गलत है चेक कर लेते हैं हम लोग। हमारा जो मेन प्रॉब्लम था कैसा था, मॉड एक्स इक्वल्स टू था फोर। अब इसमें क्या कर लिया हमने, एक्स की वैल्यू फोर रख दिया, तो एक्स वैल्यू फोर रख दिया तो फोर इक्वल्स फोर बराबर ही आ रहा है, मतलब ये सोल्यूशन है। अब एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर रख दो, तो माइनस फोर जब यहाँ पे रख दिया तो कितना होगा, ये मॉड ऑफ माइनस फोर, मॉड ऑफ माइनस फोर, मॉड का मतलब क्या होता है, जो भी निगेटिव वैल्यू उसको पॉजिटिव कर देना, तो इसका मतलब मॉड फोर कितना होगा, फोर के बराबर होगा, तो ये भी बराबर है। तो अपने दो सॉल्यूशंस आ गए, ठीक है ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, जैसे कि मान लेता हूँ मॉड एक्स इक्वल्स कितना है, माइनस फोर है। अब ये वाला प्रॉब्लम फिर से, अभी मैं फटाफट कर लेता हूँ, आपको आइडिया आ रहा है। तो सबसे पहले मॉड के अंदर जो भी नंबर है उसको कर लिया हमने जीरो, तो एक्स वैल्यू कितना आ गई, जीरो आ गई। इसका मतलब नंबर लाइन को मुझे दो पार्ट में इसके नंबर लाइन के ऊपर जब मैंने इसको प्लॉट कर लिया जीरो, तो इस नंबर की वजह से नंबर लाइन जो है मेरी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, ठीक है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट कौन सा है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, और ये वाला पार्ट कौन सा है, एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है। जीरो को मैं इधर कवर कर सकता हूँ या फिर इधर भी कवर कर सकता हूँ, कहीं पे भी अपनी मर्जी है, किधर भी कवर करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देख लो, मुझे इस इक्वेशन को एक्स ग्रेटर देन जीरो में सॉल्व कर देना है। जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये जो मॉड एक्स है वो रिप्लेस होकर कैसा होगा, प्लस एक्स होगा, या फिर सीधा सीधा एक्स लिख दो इसको तो चलेगा, तो ये प्लस एक्स होगा। इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस फोर, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितना आ गई, माइनस फोर आ गई। जब एक्स की वैल्यू माइनस फोर आ गई है, एक्स की वैल्यू जब माइनस फोर आएगी, तो ये माइनस फोर है, अब देखना पड़ेगा क्या ये जो सॉल्यूशन आ गया, ये जो सॉल्यूशन आ गया एक्स वैल्यू माइनस फोर, क्या इस इंटरवल में आता है क्या, जीरो के आगे वाले इंटरवल में आता है क्या, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि माइनस फोर तो इस साइड पे आएगा, इस इंटरवल में आएगा, और हमने किस में सॉल्व किया है, जीरो से आगे के लिए सॉल्व किया है। तो इसका मतलब कितना आ गया कि एक्स इक्वल्स माइनस फोर इसमें नहीं आता, इस इंटरवल में नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सॉल्यूशन है हम लोग इसको रिजेक्ट करेंगे। अगर ये जीरो से आगे होता तो इसको ले लेते, सही है ना। ओके ओके, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर जो है वो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो में नहीं आता है, इसलिए हम लोग इसको रिजेक्ट करेंगे। अब पीछे आ गए, एक्स की वैल्यू जब लेस देन जीरो होगा तो मॉड एक्स क्या होगा, वो होगा माइनस एक्स से रिप्लेस, माइनस एक्स से रिप्लेस हो गया, इक्वल्स कितना आ जाएगा, माइनस फोर आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, फोर आ जाएगी। तो एक्स इक्वल्स कितना आ गया, फोर आ गया। क्या एक्स इक्वल्स फोर एक्स लेस देन एक्स लेस देन जीरो में आ सकता है क्या, एक्स लेस देन जीरो में आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक्स इक्वल्स फोर जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, वो आ जाएगा इस वाले इंटरवल में, लेकिन हमने सॉल्यूशन किस में निकाला, इसका लेस देन जीरो में निकाला। इसका मतलब ये वाला सॉल्यूशन भी इस वाले इंटरवल में कवर नहीं कर रहा है, मतलब इसको भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसमें नहीं मिला, इस इंटरवल में भी नहीं मिला, और इस इंटरवल में भी नहीं मिला। इसका मतलब इसको सेटिस्फाइड करने वाला एक भी एक्स है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन कितना आना चाहिए, फाइव आ जाना चाहिए। कोई सोल्यूशन, कोई एक्स ऐसा एग्जिस्ट नहीं है क्योंकि इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करे, ठीक है। और देखने से पता चल रहा है, देख लो आप, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे मॉड एक्स आ गया, और इक्वल्स कितना है, माइनस फोर है। अब देख लो मॉड का मतलब कितना होता है, मॉड का मतलब कितना होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। मॉड एक्स मतलब क्या, जो निगेटिव वैल्यू उसको पॉजिटिव कर देगा, इसका मतलब मॉड जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। इसका मतलब ये इधर से कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, और यहाँ पे देख लो कितना है, माइनस फोर है, इधर कैसा है कि ये ऑलवेज निगेटिव नंबर है, बराबर है क्या। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव नंबर एक ऑलवेज निगेटिव नंबर इक्वल कैसे हो सकता है, हाँ इक्वल कब होंगे, जब ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा तभी जाके दोनों इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि जीरो पे वो साइन नहीं होता है ना। लेकिन जीरो के अलावा किसी भी नंबर पे टू माइनस टू इक्वल कर है ही नहीं, थ्री माइनस थ्री कभी इक्वल नहीं है, फोर माइनस फोर कभी भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, इसका मतलब ये तो कैसा है, इम्बैलेंस ही हो गया ना। तो इसका मतलब इसका कोई सोल्यूशन आ ही नहीं सकता है।
तो ये तो साफ साफ यहाँ पे भी दिख रहा है कि जब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं तो इस वाले डोमेन में उल्टा आ रहा है, इस वाले डोमेन मतलब ये जो सोल्यूशन इसमें आना चाहिए था, ये सोल्यूशन इसमें आना चाहिए था, उल्टा आ रहा है वैसे, इसलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। बात समझ में आ रही आपको? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये ग्राफ मतलब अभी ये जो चीज़ है ना, अभी आपने को थोड़ा सा मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट है, सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं है, ये आपको पता चल रहा है वैसे। मतलब किसी किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं हो सकते हैं और किसी किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन एग्जिस्ट हो सकते हैं। तो ये चीज़ है क्या वैसे, ये देख लेते हैं अभी। तो ये जो प्रॉब्लम है ग्राफिकल मेथड से मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। सबसे पहला प्रॉब्लम कौन सा था? सबसे पहला प्रॉब्लम था मॉड एक्स इक्वल्स टू 4। अब ये वाला प्रॉब्लम है। अब ये कंसेप्ट है, मैं ये बात बोल दूँ आपको, जब भी इसको सॉल्व करना होगा एफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, इसको जब भी सॉल्व करना है मतलब किसी ने अगर बोला कि एफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स को सॉल्व करना है, मतलब कैसे, अभी ऐसा दे दिया समझो एक्स स्क्वायर दे दिया प्लस टू दे दिया और इक्वल्स दे दिया टेन एक्स, है ना, इसमें क्या है एफ एक्स मतलब कौन सा ये है और जी एक्स मतलब ये हो गया, और किसने दे दिया एक्स प्लस टू है इसका मॉड है और इधर कितना आ गया ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स आ गया, इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया एफ एक्स हमारा, ये हो गया जी एफ एक्स। तो मतलब ऐसे जब भी प्रॉब्लम दिया जाएगा और इसको सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा, एक इस साइड पर कोई रिलेशन है, इस साइड पर कोई रिलेशन है, तो ऐसे वाले प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं ग्राफिकली मैं उसके बारे में बोल दूँ। तो मुझे निकालना पड़ेगा दो ग्राफ। तो पहला कौन सा, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, मतलब इस वाले इस जो लेफ्ट साइड पे जो भी रिलेशन है उसको y के साथ कंसीडर कर लो, इसका ग्राफ प्लॉट कर लो, और दूसरा किसका, y इक्वल्स टू g ऑफ x का, मतलब जो राइट साइड पे जो है एक्सप्रेशन है उसको y के साथ कंपेयर कर लो। तो ये दो ग्राफ जो है वो प्लॉट करना पड़ेगा मुझे, ये दो ग्राफ को मुझे प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब प्लॉट कर लिया, जैसे मान लेता हूँ कितना दूसरे इसको मतलब मैं प्लॉट कर रहा हूँ रफली, वाई को स्टेफ ऑफ एक्स का ग्राफ जो है कुछ इस टाइप का है, मान लेता हूँ ये रफली मैं बोल रहा हूँ, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है वाई को स्टेफ ऑफ एक्स का, ऐसा कुछ अगर ग्राफ आ रहा है, ठीक है ना। ओके, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर वाई को स्टू जी ऑफ एक्स का ग्राफ निकालना पड़ेगा। मान लेता हूँ इसका ग्राफ इस टाइप का आ गया, ये जो ग्रीन लाइन से हमने ग्रीन इंक से हमने जो बनाया ये किसका है, ये जी ऑफ एक्स का ग्राफ है, और जो रेड से बना दिया वो किसका है, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। अब देखना पड़ेगा इसके जब सॉल्यूशन निकालने की बात है, हमने ग्राफ तो बना दिया, अब इसके सॉल्यूशंस क्या आएंगे ये अगर जब बताना है मुझे, तो मुझे करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा ये कितनी बार कट कर रहा है ग्राफ एक दूसरे को देखना पड़ेगा। तो एक बार, दो बार, ये तीन बार और ये चार बार, तो चार बार ये ग्राफ कट कर गया, तो इसके कितने आएंगे सॉल्यूशंस, ये चार सॉल्यूशंस आएंगे। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को, देख लो मतलब इसके जो सॉल्यूशंस अगर मुझे निकालना है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स जी ऑफ एक्स का अगर मुझे सॉल्यूशंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मुझे करना पड़ेगा इसका ग्राफ निकालना पड़ेगा वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और इसका वाई इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। तो दोनों को ग्राफ बना दिया, दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितनी बार कट कर रहे हो देख लिया, जितनी बार कट करेंगे उतने इसके सॉल्यूशंस आएंगे। अगर ये दोनों दूसरे को कट करते ही नहीं है तो कोई सोल्यूशन आएगा नहीं, बराबर क्या। मान लेते हो कैसा है कि अब एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा है और जी ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा है, तो दोनों एक दूसरे कट कर ही नहीं रहे, मतलब एक भी सोल्यूशन नहीं आएगा। इस वाले केस में चार बार कट है, इसका मतलब चार बार चार सोल्यूशन आ जाना चाहिए, सही है क्या। तो अब ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हो और बाद में और इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। y को कितना है, मॉड एक्स इक्वल्स टू 4 है, सॉल्व कर देना है ग्राफिकल मेथड से। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि दो ग्राफ बनाना पड़ेगा, वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा और वाई इक्वल्स टू किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, 4 का ग्राफ बनाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है किसी को? पहली स्टेप क्या था कि y कोस्ट मॉड एक्स, y कोस्ट 4, इसमें इस साइड पे जो भी है उसको y के साथ कंपेयर कर लिया, इस साइड पे जो भी है उसको भी y के साथ कंपेयर कर लिया। तो y कोस्ट मॉड एक्स, y कोस्ट 4, ये दो टाइप के ग्राफ बना लेंगे। तो प्लॉट कर लेता हूँ फिर इसको मैं, प्लॉट कैसे करेंगे, तो ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये होगा x एक्सिस और ये होगा y एक्सिस, ठीक है ना। तो नंबर ले लो इसके ऊपर, तो यहाँ पर अगर 1 है, यहाँ पर अगर 2 है, ये होगा 3 और ये होगा 4, ये होगा 5, ओके काफ़ी है। इसमें भी कहीं यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, ये 1, 2, 3, और यहाँ पे होगा -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4 और ये होगा 4 कहीं, ओके। अब क्या करना है, अब करना है इन दोनों को प्लॉट,
मतलब पहले y कोस्ट मॉड x को प्लॉट कर लेते हैं, और y कोस्ट मॉड x का ग्राफ आपको मालूम है कैसे आता है। y कोस्ट मॉड x का ग्राफ आता है, इसका जीरो कहाँ पे आया देख लो, मॉड x का जीरो कहाँ पे आता है, जीरो पे आता है। ये जो मॉड है कहाँ पे जीरो हो रहा है, x इक्वल जीरो पे हो रहा है, तो इसके अंदर का जो भी नंबर है उसको जीरो करना होता है। तो ये इसके अंदर कौन सा है, x इक्वल्स टू जीरो। तो जब x इक्वल्स टू जीरो कर लिया है तो कहाँ पे है, ये जीरो पे ही आ गया। इसका मतलब यहाँ से अब ग्राफ जो होगा वो ओपन होगा, तो एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, ऐसे कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है ना, ऐसे V बन जाएगा। अब पहला ग्राफ बन गया, ये जो ग्रीन वाला है, पहले मैं इसका नाम लिख दूँ, ये कौन सा होगा, y इक्वल्स टू होगा मॉड x, ठीक है ना। तो इसके दो ब्रांच आ गए, किधर एक लाइन आएगी, इधर एक लाइन आएगी। इसके सेपरेट इक्वेशन है क्या है वो देख लेते बाद में, ठीक है। पहला तो इक्वेशन हो गया, अब दूसरा कौन सा है, दूसरा है वाई कोस्ट फोर। वाई कोस्ट फोर कैसे आता है, वाई कोस्ट फोर अभी अभी बोला है, वाई कोस्ट फोर मतलब इसमें एक्स है नहीं, एक्स नहीं है मतलब कैसा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। इसका स्लोप कितना है, माइनस ए बाई बी, ए के लिए कितना है जीरो है, बी के लिए कितना वन है, तो जीरो बाई वन मतलब कितना जीरो, तो स्लोप जीरो होगा। स्लोप जीरो किसका होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप स्लोप जीरो होता है, बराबर है क्या। और वाई कोस्ट अगर फोर है तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट कितना है, फोर है, इसका मतलब वाई के ऊपर कहाँ पे फोर है, तो यहाँ पे फोर है, तो यहाँ से पास करने वाला एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, ये यहाँ से पास करने वाला एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ है एक दूसरे को कितनी बार कट कर रहे हैं, ग्राफ एक दूसरे को दो बार कट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या, ग्राफ एक दूसरे को दो बार कट कर रहे हैं। इसका मतलब इसके दो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट है, दो सॉल्यूशंस हैं, टू सो एक्स इक्वल्स टू नहीं, इसके दो सॉल्यूशंस आएंगे, बराबर है क्या। दो सॉल्यूशंस मतलब यहाँ पे हमने सॉल्व किया था, कौन से आ रहे थे, माइनस फोर एंड प्लस फोर, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, दो हो गए ना, मतलब माइनस फोर को एक बार और फोर को एक बार, तो दो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, फोर हो गए। और सॉल्यूशंस कौन से हैं, तो एक एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर और एक्स इक्वल्स टू फोर, ऐसे दो सॉल्यूशंस हो गए। ये कैसे पता चला मुझे, ये पता चला यहाँ से कि ये ग्राफ जो है दो बार कट कर गया ना, यहाँ पे एक बार कट कर गया और यहाँ पे एक बार कट कर गया, सही है क्या, तो दो सॉल्यूशंस आ गए। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आएगा वैल्यू, इसके करस्पॉन्डिंग ये जो है, ये वैल्यू आप कहाँ पर आएगी वो मालूम नहीं है, तो मैं ये हटा देता हूँ पहले, ठीक है ना। ये वैल्यू कहाँ पे आएगी वो मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं ये पूरा हटा देता हूँ, बाद में जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर लिख देंगे हम लोग, ठीक है, ये हटा दिया मैंने। अब इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो आएगी ना ये वाला, तो ये वाला कौन सा वैल्यू है वो देखना पड़ेगा, ये मुझे निकालना पड़ेगा x1, और ये भी इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है ना वो निकालना पड़ेगा x2। तो जो x1 x2 है हमारे सॉल्यूशंस है, और वो कितना आएगा वो निकालना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले क्या क्या किया देख लो, मॉड एक्स इक्वल्स टू फोर को सॉल्व करना था, तो मैंने क्या किया, तो मॉड एक्स इक्वल्स टू फोर के साथ कंपेयर करने के बाद दो ग्राफ बनाना था, वाई कोस्ट मॉड एक्स का, वाई कोस्ट फोर का। मॉड एक्स का वाई कोस्ट मॉड एक्स मतलब इसके अंदर मॉड के अंदर जो भी नंबर है उसको जीरो कर दिया, कहाँ पर जीरो हो गया, जीरो पे जीरो हो गया था, तो जीरो से ऐसा वी बन जाएगा, ठीक है। फिर एक का ग्राफ तो हो गया था, दूसरा ग्राफ कौन सा है, वाई कोस्ट फोर है, इसमें स्लोप जीरो आएगा क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट है ही नहीं इसके अंदर, मतलब इसका कोएफिशिएंट जीरो है, तो जीरो डिवाइड बाई समथिंग तो हो जाएगा जीरो, और वाई कोस्ट फोर है तो ये फोर जहाँ पे वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास करेगी। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मतलब वाई कोस्ट फोर, ये जो ग्राफ है वाई कोस्ट फोर वाला और वाई कोस्ट मॉड एक्स वाला, एक दूसरे को कितनी बार कट कर गए, तो यहाँ पे एक बार कट कर गए और यहाँ पे एक बार कट कर गए। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है मॉड एक्स इक्वल्स फोर, इसके टोटल कितने सॉल्यूशंस है, दो सॉल्यूशंस है। अब वो कौन से सॉल्यूशंस है, मतलब एक क्या है वो एक्स इक्वल्स कौन से जगह पे ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये निकालना है मुझे। मतलब क्या, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एक्स कितना आएगा और इसके करस्पॉन्डिंग एक्स आएगा कितना आएगा, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है, बराबर दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्स कितना आएगा, अगर ये मुझे निकालना है तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा इस वाले ग्राफ को और इस वाले ग्राफ को, ध्यान समझना, यही बात है अभी, यही बार बार हम लोग यूज़ करेंगे। तो अगर मुझे इसका सोल्यूशन, ये जो पॉइंट है क्या है, ये पॉइंट कौन सा है, ये अगर निकाल देना है, ये पॉइंट कौन सा है निकाल देना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि इस वाले केस में अगर मुझे क्या करना है, कहाँ गया, ओके यहाँ पे, अब इसमें मुझे क्या करना है कि ये अगर पॉइंट निकाल देना है, ये पॉइंट निकाल देना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो ये जो सॉल्यूशन है ये किसका एक ग्राफ है, y इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स का ग्राफ है ऊपर वाला, ये कौन सा है नीचे वाला, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का है, तो इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब ये y इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स और y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स सॉल्व करना पड़ेगा, बराबर है क्या। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लो,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर इसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा। इसका इक्वेशन कितना है, इस लाइन का वाई कोस्ट मॉड एक्स है बराबर। लेकिन मॉड एक्स तो कैसा है कि दोनों मिला के है ना, दोनों मिला के इधर का भी मॉड एक्स है इधर का भी मॉड एक्स है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका मॉड एक्स के टर्म में नहीं चाहिए, ये मॉड एक्स को उड़ा दो। अभी मॉड एक्स को उड़ाने के बाद इसका जो इक्वेशन एक्चुअल क्या आएगा वो चाहिए मुझे। तो ये कितना इक्वेशन आ जाएगा देख लो, तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप कितना आएगा, इसका स्लोप आएगा पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव रहा है तो इसका इक्वेशन कितना आना चाहिए, वाई इक्वल्स टू एक्स आएगा क्या, बोलो वाई इक्वल्स टू एक्स आएगा कैसे। यहाँ पे एक तो प्लस आएगा एक तो माइनस आएगा, इसका जो इक्वेशन आएगा कैसे आएगा, इसमें दो टाइप के इक्वेशन बनेंगे ना, जब एक्स वैल्यू पॉजिटिव है तो ये प्लस एक्स बनेगा, एक्स वैल्यू जब नेगेटिव हो तो माइनस एक्स बनेगा। और ये लाइन अगर इंक्रीजिंग है तो उसमें प्लस वाला स्लोप जो होगा उसका इक्वेशन हो जाएगा, ये लाइन डिक्रीजिंग है इसका मतलब इसका इक्वेशन कैसे आएगा, इसका इक्वेशन आ जाएगा वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स। ये आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ये समझ में आ रहा है क्या? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से जो पहला वाला हमने जो ग्राफ बनाया था वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स का, वो वाला अच्छे से देख लो। तो इसमें दो टाइप के ग्राफ बनते हैं, जब एक्स वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ये ग्राफ, एक्स वैल्यू नेगेटिव होती है तो ये ग्राफ। अब ये लाइन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग मतलब क्या, स्लोप पॉजिटिव। ये लाइन डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब क्या, स्लोप नेगेटिव। तो इसका स्लोप माइनस, इसका ही कुछ ना आएगा वाई कोस्ट माइनस एक्स, इसका आएगा वाई कोस्ट प्लस एक्स, बात खत्म। बराबर क्या, स्लोप से हम लोगों को पता चला, क्योंकि इसमें तो दो ही टाइप के ग्राफ बनेंगे ना, एक तो प्लस वाला एक तो माइनस वाला। प्लस वाला इसका बनेगा, माइनस वाला इसका बनेगा, क्योंकि डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग में स्लोप नेगेटिव होता है, इंक्रीजिंग में स्लोप पॉजिटिव होता है। बहुत बार मैंने बोल दिया है, अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर से एक बार पुराना वीडियो, कल वाला जो मतलब इससे पहले वाला जो वीडियो था ना वो वाला देख लो, ये आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। और यहीं पर इसी पर पूरी अभी हमारी मैथमेटिक्स की दुनिया अवेलेबल है, ठीक है ना, और डिपेंड भी है। ओके तो y cos x मतलब अगर मुझे इसको अगर सॉल्व करना है तो y cos mod x क्या, और ये 4 को नहीं सॉल्व करूंगा मैं, आप क्योंकि मुझे इसका पर्टिकुलर अभी इक्वेशन मिल गया ना, कितना है y cos x है और ये किसका है y cos 4 है, बस इन दोनों को सॉल्व कर लूंगा। तो कितना y y दोनों सेम है, मतलब क्या करना पड़ेगा, x equals to ये इस वाले के साथ और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कितना आ गया x equals 4 आ गया ना, बराबर क्या। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये भी दोनों इक्वल होना चाहिए, सॉल्व करने का मतलब क्या, इन दोनों को सॉल्व करने का मतलब क्या, इस वाई के लिए यहाँ पे रख दो तो कितना आ गया x इक्वल्स 4 आ गया। इसका मतलब ये हुआ इसके करस्पॉन्डिंग जो x वैल्यू कितना आ जाएगी, 4 आ जाएगी, मतलब ये दोनों ये 4 पे इक्वल आ सकते हैं। तो आगे क्या देख लो, जब x वैल्यू 4 रख दें तो दोनों जगह पे इक्वल आ रहा है ना, हो गया का, ठीक है। अब इसके पीछे अब मुझे ये वाला पॉइंट सॉल्व करना है, इस पॉइंट की करस्पॉन्डिंग एक्स कितना आएगा वो सॉल्व करना है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा। इस लाइन का इक्वेशन कितना है, वाई कोस टू माइनस एक्स है, इसका इस लाइन का इक्वेशन कितना है, वाई कोस टू 4 है। अब ये दोनों वाई वाई सेम है, इसका मतलब कितना आएगा, ये माइनस एक्स कोस 4 आ जाएगा, तो एक्स वैल्यू कितना आ जाएगी, माइनस 4। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके करस्पॉन्डिंग एक्स कितना है, एक्स है माइनस 4। तो बस ये माइनस 4 पे और प्लस 4 ये दो सोल्यूशन आ गए, तो हमारा सोल्यूशन कितने आ जाएंगे, फिर ये आ जाएगा माइनस 4 और ये आएगा प्लस 4। समझ में आ रहा है क्या आपको, देख लो अभी, ठीक है। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोला गया तो कितनी बार कट कर रहा है वही काम, वही देखना है अपने को, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, दो बार कट कर रहा है मतलब दो सॉल्यूशन आएंगे। अगर आपने को बोला कि कौन से सॉल्यूशन है, वो नंबर ऑफ टू जो सॉल्यूशन है वो कौन से है, मतलब एक्स वैल्यू क्या है वहां पे, तो वो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसको और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स वैल्यू आएगी वो हमारा सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। फटाफट वो आगे वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा एक था तो मैं अभी थोड़ा जल्दी में सॉल्व कर लेता हूँ। आपको समझ में आ रहा है क्या, देख लो मॉड एक्स की वैल्यू कितना थी, माइनस 4 थी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स को ग्राफ बनाएंगे और दूसरी बार क्या करेंगे, वाई इक्वल्स टू माइनस 4 का ग्राफ बना लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, दोनों एक्स एंड वाई एक्सिस हो गए और ये हो गया 0। इसका ग्राफ प्लॉट कर देना है तो 0 पे ऐसा ओपन होगा ये, ठीक है। तो इसका इक्वेशन कितना होगा, y इक्वल्स हो जाएगा x और इसका सोल्यूशन हो जाए इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स माइनस। अब मुझे इसको बोलने की जरूरत नहीं है ना, लाइन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग मतलब क्या है, इसका स्लोप आएगा पॉजिटिव। लाइन डिक्रीजिंग है, स्लोप कितना आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, सही ना। तो इसमें दो ही टाइप के ग्राफ होते हैं, y इक्वल्स टू प्लस एक्स, y इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब ये 0 जो है इसमें कवर करो या फिर इसमें कवर करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 तो मतलब 0 पे ही रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे तो जरूरत ही नहीं है। ओके ये तो हो गया किसका ग्राफ, इसका ग्राफ। अब इसका ग्राफ निकाल लेते हैं, y इक्वल्स टू माइनस 4, लाइन तो हॉरिजेंटल है क्योंकि x की वैल्यू है ना इसके अंदर, स्लोप कितना है इसका, 0 है, ए बाई बी है ना, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, तो ए बाई बी 0, मतलब इसका स्लोप तो कितना है, 0 है, मतलब लाइन हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल स्लोप उसका कितना होता है, हॉरिजेंटल लाइन का स्लोप 0 होता है ना, हॉरिजेंटल लाइन है। और एक कहाँ से, y इक्वल्स टू माइनस 4 है, मतलब y को कहाँ से कट करेगी, माइनस 4 से कट करेगी, माइनस 4 से पास करेगी, तो इसका मतलब y इक्वल्स टू माइनस 4 ये लाइन बन जाएगी। ये कौन सा पॉइंट है, वैसे माइनस 4 है।
अब देख लो y cost माइनस फोर आ गया ना ये, तो ये लाइन और ये जो ग्राफ है कहीं एक दूसरे कट कर रहे हैं क्या? कट कर ही नहीं रहे, क्योंकि इसका जो टेंडेंसी ऊपर जाने का है, इसका टेंडेंसी ऐसा कांस्टेंट जाने का है, तो दूर दूर तक कहीं कितना ही दूर जाओ कभी भी कट करेंगे नहीं एक दूसरे को, सही है क्या? इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, नो सोल्यूशन आएगा, ठीक है। और ये एनालिटिकल मेथड में कैसा समझ में आ रहा था अपने को? अपने को समझ में आ रहा था यहाँ पे दो जो वैल्यू आ रही थी, ये यहाँ पे देख लो, इसमें एक्स वैल्यू माइनस फोर आ रही थी लेकिन ये वैल्यू इसमें कवर नहीं हो रहा था, इसमें एक्स वैल्यू फोर आ रही थी लेकिन ये वैल्यू इसमें कवर नहीं हो रहा था, इसलिए वो मिसमैच हो रहा था। क्यों मिसमैच हो रहा था? क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं, इसका जब कोई सोल्यूशन है ही नहीं क्योंकि एक दूसरे को कट कर ही नहीं रहे, और वो जो वैल्यू आ रही है वो ऐसे ही कोई भी मतलब इंटरवल के बाहर के वैल्यू उस आ रहे थे, सही है क्या? ओके, एक और प्रॉब्लम कर लेता हूँ मैं और बाकी आपको होमवर्क ले देता हूँ। देख लो, मॉड एक्स माइनस टू है और रिक्वेस्ट कितना होगा, यहाँ पे मान लेते हैं टू है ना, ओके वन मान लो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देना है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले क्या कर लो, ओके ये टू के बदले मैं एक्स ले लेता हूँ, ये टू के बदले एक्स ले लेता हूँ, कोई भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो टाइप दो ही ग्राफ तो अपने को बनाना है वैसे। सबसे पहला स्टेप दो ग्राफ बनाना पड़ेगा, कौन सा वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस टू का, एंड दूसरी बार कौन सा बनाना पड़ेगा, वाई इक्वल्स टू एक्स का, कोई दिक्कत नहीं है। इसके दो ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो इसके अंदर की क्वांटिटी कब जीरो हो रही है, एक्स माइनस टू इसको जीरो कर दो तो एक्स के लिए कितना आ गई, टू आ गई। अब मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये तो सीधा सीधा समझ में आएगा ना, मॉड का अंदर जो भी नंबर है वो जीरो कब हो रहा है वो देखना है और वहाँ से अपने को वी बनाना है, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, तो यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे होगा वन, यहाँ पे होगा टू, यहाँ पे होगा थ्री और यहाँ पे होगा फोर। ये नंबर नहीं लेते तो भी चल जाएगा क्योंकि अपने को बस ये टू से काम है, ठीक है ना, बाद में ये एडजस्ट कर लेंगे। ये होगा टू, ओके अभी टू पे, टू वाई कोस टू मॉड एक्स प्लस टू का ग्राफ कैसे आएगा, टू से ऐसा ओपन, इधर एक लाइन आएगा और इधर एक लाइन आएगा। अच्छा, सबसे पहले आप इसके इक्वेशंस लिख लो, इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन लिख लो, बराबर क्या? तो वीडियो को पॉज करो, इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन पहले लिख लो आप, बाद में ये इक्वेशन कंफर्म कर लेना, मैं लिख रहा हूँ इक्वेशंस। तो इसका जो इक्वेशन आएगा कैसे आएगा, वाई इक्वल्स टू आ जाएगा एक्स माइनस टू, और इसका जो इक्वेशन आ जाएगा कितना आ जाएगा, वाई इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस एक्स प्लस टू। क्यों? क्योंकि लाइन डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग मतलब इसको जो निगेटिव वाला साइन जो आएगा, माइनस एक्स वाला जो लाइन होगा वो लाइन डिक्रीज करेगा और प्लस एक्स वाला जो लाइन होगा वो इंक्रीज करेगा, तो ये लाइन इंक्रीज कर रही है तो इसका इक्वेशन एक्स माइनस टू होना चाहिए, और ये लाइन डिक्रीज करे तो ये क्या होना चाहिए, एक्स माइनस एक्स प्लस टू होना चाहिए। एक तो एक रीज़न ही है, दूसरा रीज़न क्या है, इसमें जो ये जो नंबर होता है ना ये वाला प्लस टू और यहाँ पे जो लिखा है ये माइनस टू, ये क्या होता है, ये होता है वाई इंटरसेप्ट। याद आ रहा है कि वाई इंटरसेप्ट क्या था? वाई इंटरसेप्ट मतलब एक लाइन वाई एक्स को जहाँ पे कट करती है वो पॉइंट होता है, और यहाँ पे देख लो ये कैसा है, ये पॉजिटिव है, और अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करना चाहिए, एक्स एक्सिस को ये वाई एक्स को कहाँ पे कट करना चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर कट करना चाहिए ना, मतलब ये पॉइंट कौन सा होगा तुम्हारा, ये होगा टू, मतलब यहाँ पे कितना आएगा, वन आएगा, मतलब वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, ये लाइन वैसे टू पे कट करेगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, और ये लाइन देख लो कैसा है, यहाँ पे माइनस टू है, इसका मतलब ये लाइन ऐसा नीचे जाके कहीं तो कट करना चाहिए, बोला ना लाइन नीचे जाके कहीं तो माइनस टू पे कट करना चाहिए, लेकिन यहाँ तक लाइन आएगा ही नहीं, ये तो इसके ऊपर रहेगा, तो मतलब ये अगर कंटिन्यू कर लेता तो इधर आ जाता वैसे ही, बराबर है क्या? सही है, आपको समझ में आ रही बात ये, ठीक है। अब देख लो, ये हो गया माइनस एक्स प्लस टू और ये हो गया एक्स माइनस टू। अगर ज़्यादा समझ में आ रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं, वैसे जितना समझ में आ रहा है उतना समझने की कोशिश करो, ये तो बस हर बार आएगा, ये हर एक प्रॉब्लम में आएगा अभी, तो ये तो रट ही जाएगा आगे चल के, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन पहली बार अगर सबको समझ में आ रहा तो ये आगे वाले जितने भी प्रॉब्लम है ना उसमें और भी ज़्यादा आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम से अपने कॉन्सेप्ट बनते जाएंगे, और ऐसा नहीं कि मतलब इतना ही हमारा सिलेबस है, इसके बाहर भी आपको और भी ज़्यादा कैलकुलेशन करना है, बराबर है। तो जितनी जल्दी आपको चीज़ें समझ में आती है उतना अच्छा रहेगा, बराबर है। और नहीं भी समझ में आती तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, वैसे ये तो हम लोग बार 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 करने वाले हैं तो आपको रट ही जाएगा, ठीक है। अब पहला किसका ग्राफ हो गया, वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस माइनस टू का ग्राफ हो गया। अब किसका ग्राफ निकालना पड़ेगा, आपको निकालना है वाई इक्वल्स टू एक्स का, वाई इक्वल्स टू एक्स का। वाई इक्वल्स टू एक्स कैसे होता है बोलो, वाई इक्वल्स टू एक्स है स्ट्रेट लाइन
और इसका वाई इंटरसेप्ट कितना है, वाई इक्वल टू कितना चाहिए मुझे, एक्स चाहिए। स्लोप कितना है पहले देख लो, स्लोप है कितना वन है, और वाई इंटरसेप्ट सी के लिए कितना है जीरो है। बात समझ में आ रही है आपको, मतलब एक कॉन्स्टेंट जीरो है, मतलब वाई को ये जीरो पे कट करेगा। जीरो कहाँ पे है, ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो। अब स्लोप कितना है, वन है, मतलब क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। तो ये होगा लाइन, इसका स्लोप इंक्रीज कर रहा है ना, तो ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है, इसका ऐसा लाइन आ जाएगा। ओके, अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, मतलब ये ब्लू वाली और ग्रीन वाली, ये एक दूसरे को कितनी बार कट कर रहा है, एक तो यहाँ पे कट कर गया। अब ये आगे चल के इसको कट करेगा नहीं करेगा, आपको कोई आइडिया नहीं है अभी, है ना। इसको अभी आगे चल के शायद ये ऐसा कट भी करे, कोई आइडिया नहीं है। मतलब अगर ये इसमें तो यहाँ पे तो कट करेगा, क्योंकि लाइन अगर ऐसे क्रॉस हो रही है तो यहाँ पे तो कट करेगा, ये तो पक्का ही है। लेकिन अब ये जो है, ये दूसरे को एक दूसरे को कट करेंगे नहीं करेंगे अभी कोई आइडिया नहीं है अपने को, बराबर है क्या। शायद ये लाइन अगर ये थोड़ा ऐसे झुक रही है और ये ऊपर आ रही है तो शायद ऊपर जाकर कहीं ना कहीं कट कर सकती है, बराबर ना, अपने कोई आइडिया नहीं है। अगर आपको अगर स्लोप के बारे में अगर कुछ आइडिया है ना, तो इसका स्लोप, इसका इक्वेशन कितना है वैसे, y इक्वल्स टू कितना है, x है। इसका स्लोप कितना है, वो तो 1 के बराबर है। इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप भी कितना है, 1 के बराबर है। स्ट्रेट लाइन के बारे में आपको थोड़ा भी अगर आइडिया होगा, तो इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप 1 है, दोनों के अगर स्लोप सेम है, इसका मतलब दोनों लाइन कैसे है, पैरेलल है। पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, बात समझ में आ रही आपको। इसका मतलब ये लाइन दोनों आगे चल के कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो कोई ज़रूरत नहीं है, पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। और ये पैरेलल लाइंस कैसे है ये पता चल रहा है आपको, एम की वैल्यू 1 और एम की वैल्यू दोनों के स्लोप सेम अगर होते हैं तो ये लाइन पैरेलल होते हैं या फिर कोइंसिडेंट होते हैं। कोइंसिडेंट मतलब क्या, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर तो दिख नहीं रही है, मतलब क्या है कि पैरेलल ही है यार क्या, तो ये कभी भी कट नहीं करेंगे। ये अगर समझ में आ रहा है तो बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, आगे मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिनको समझ में नहीं आ रहा कि शायद ये इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, अगर ये पैरेलल लाइंस है तो इसका मतलब मैथमेटिकली भी मुझे दिखना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं है, तो हम लोग मैथमेटिकली भी कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले क्या दिख रहा है मुझे कि ये यहाँ पे कट कर गया, मतलब एक सॉल्यूशन तो है। मुझे क्या करना है अभी, इसके करस्पॉन्डिंग एक्स क्या है वो निकालना है, बराबर है क्या। और आगे चल के ये दोनों एक दूसरे कट करते या नहीं करते ये भी मुझे डिसाइड करना है। अगर कट करते तो उसका भी सॉल्यूशन चाहिए। अगर ये दोनों इधर कट करते हैं तो इसका मतलब दो सॉल्यूशंस, क्योंकि यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, और अगर यहाँ पे नहीं कट करता है तो एक ही सॉल्यूशन और उसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू निकालेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लेते हैं, पहला रूट निकाल लेते हैं। पहला रूट कैसे निकालेंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा। इसका इक्वेशन मालूम है क्या मुझे, हाँ बिल्कुल मालूम है, वाई कोस्ट कितना है, माइनस एस प्लस टू है। इस लाइन का इक्वेशन मालूम है क्या, हाँ बिल्कुल मालूम है, वाई कोस्ट कितना है, एक्स है। मतलब कितना, वाई इक्वल्स टू एक्स को एंड वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू को सॉल्व करना पड़ेगा, सही है ना। तो सॉल्व कर लिया, कितना आएगा, ये वाई वाई दोनों सेम है, इसका मतलब कितना आएगा, इस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अगर सेम है तो ये दोनों भी सेम होना चाहिए, तब जाके तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा ना इसका, तो ठीक है। तो कितना आएगा, x को इधर भेज दिया तो 2x हो गया, और इक्वल्स कितना आ जाएगा, 2 आ गया, x के लिए कितना आ गई, 1। इसका मतलब ये दोनों 1 पे इक्वल आएंगे, इसका मतलब ये एक सॉल्यूशन मुझे मिल गया, कितना, x इक्वल्स टू 1, ये एक सॉल्यूशन मिल गया। अब देखना है, ये है, ये दोनों तो पैरेलल है वैसे, सॉल्यूशन तो आएगा नहीं, अब बस मुझे मैथमेटिकली प्रूफ करना है कि क्यों नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, मतलब मैथमेटिकली पैरेलल लाइन में होता क्या है। देखो, अब ये दोनों अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो उसको भी सॉल्यूशन कैसे निकालना है, y इक्वल्स टू x, और दूसरा कैसे आएगा, y इक्वल्स टू कितना है, x माइनस टू है। अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये दोनों सॉल्व होना चाहिए और कोई ना कोई एक्स एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पे एक्स एग्जिस्ट नहीं होगा, इसका मतलब दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और अगर ये एक्स इसमें दोनों को सॉल्व करने के बाद अगर एक्स एग्जिस्ट हो जाता है, मतलब क्या आना चाहिए कि इसका इंटरसेक्शन आ जाना चाहिए और कोई ना कोई इसका पॉइंट आ जाएगा। तो ये वाई अगर दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या आना चाहिए कि इसका जो राइट साइड है वो भी इक्वल होना चाहिए। और आप देख लो, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो x और x कैंसिल हो गया, तो 0 इक्वल्स टू आ गया माइनस टू। और 0 इक्वल्स टू माइनस टू ये दुनिया में कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है कि 0 और माइनस टू कभी इक्वल नहीं होता है, बराबर क्या। माइनस टू मतलब
ये बहुत पीछे है जीरो के, और जीरो थोड़ा आगे है, तो कभी दोनों इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब ये इम्बैलेंस हो गया, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं आ सकते। कौन से ये दो इक्वेशंस कभी इक्वल नहीं आ सकते, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे कभी भी कट नहीं करते, कर सकते इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब इस वाले इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन है, और वो कौन सा है, एक्स की वैल्यू वन है। तो यहाँ पर वन रख के देख लो, ये क्या दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, तो यहाँ पर वन रख दे, तो वन माइनस टू कितना आ जाएगा, माइनस वन, माइनस वन का मॉड कितना आएगा, प्लस वन आएगा, और इधर एक्स वैल्यू वन रख दिया तो वन आ गया, तो माइनस वन इक्वल टू वन आ गया। बात समझ में आ रही आपको, ठीक है। तो ये था ग्राफिकल मेथड, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है देख लो, मैं कुछ प्रॉब्लम दे देता हूँ, आपको सॉल्व कर देना है। तो एक्स प्लस थ्री और इक्वल्स टू कितना है, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग वन, दूसरा टू माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना है, इक्वल्स टू है मान लेते हैं माइनस एक्स, टू प्लस एक्स कर दो ना, फिर एक्स माइनस है थ्री और मॉड हो गया एक्स। मतलब आप कंसेप्ट को फॉलो करो, शायद इस वाले में आपको दिक्कत आएगी, कोई ज़रूरत नहीं है। वाई कोस टू मॉड एक्स माइनस थ्री का एक ग्राफ, वाई कोस टू मॉड एक्स का ग्राफ एक निकाल देने का, दोनों ग्राफ एक दूसरे कितनी बार कट कर रहे हैं वो देख लेने का है, बराबर क्या, ईजी है। वैसे ये आपके लिए होमवर्क का है, सॉल्व करने की कोशिश करो, आ जाना चाहिए, ठीक है। आप सॉल्व करके ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, अगर उसमें अगर ज्वाइन नहीं हुए आप लोग तो ज्वाइन हो जाओ, उस पर भी मैं कुछ डीपी भेज दूंगा, क्वेश्चंस भेजते रहूँगा, और जो भी डाउट्स आपके आ रहे या वो मुझे भेजते रहो, ऐसे वाले क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस है मैं उस ग्रुप में भेजते रहूँगा, ठीक है ना। तो क्या है कि वो सबको मिल जाएगा, पर्सनली एक एक को भेजने के बजाय मैं डायरेक्ट उसमें अगर भेज दूँ तो सबको मिल जाएगा, ठीक है। तो सारे मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों के भी ग्रुप बन चुके हैं, व्हाट्सएप ग्रुप। अभी तक आपको अगर कोई आइडिया नहीं है तो किसी भी एक सर को बोल दो कि मुझे उस ग्रुप में ऐड कर देना है, तो आपको वो ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं, जय भारत।